नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है योगेश पांडे और आज हम लोग अपनी आज की कक्षा में समास के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है समास है क्या। बच्चों, जब भी हम दो शब्दों को आपस में मिलाते हैं ना, तो इन शब्दों को मिलाने से एक सार्थक नया शब्द बनता है जिसे हम समास कहते हैं। यदि पारिभाषिक रूप में हम समास की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक एवं नवीन शब्द को हम समास कहते हैं। बच्चों, ये समास जो हैं मुख्य रूप से पांच भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद समास और पांचवा है बहुव्रीही समास। अव्ययी भाव समास की बात करें यदि हम, तो जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है अव्यय, यानी वो शब्द जिनका व्यय ना हो, जो कहीं से भी छीड़ ना हो, जो कहीं से भी कम ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब कुछ शब्दों को जोड़ करके किया जाता है तो जो नए शब्द बनते हैं उन्हें हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा भक्ति, आमरण, आ मरण, आ मरण। बच्चों, जब हम इन शब्दों पर ध्यान देते हैं तो यह जो शब्द है यथा या फिर यह जो शब्द है आ, यह दोनों ही शब्द आपस में अव्यव है। यानी जब हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो उसमें पहला शब्द यानी प्रथम पद हमेशा अव्यय होता है और दूसरा पद जो होता है वह अव्यय से जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो तत्पुरुष समास का सीधा सा अर्थ यह है बच्चों कि पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष हो, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। इन शब्दों में, इस तत्पुरुष समास में एक खास बात यह होती है कि प्रथम पद हमेशा अप्रधान होता है और द्वितीय पद हमेशा प्रधान होता है। जैसे स्वर्ग वास, जैसे स्वर्ग वास, स्वर्ग वास। इसी प्रकार जैसे मन चाहा, मन चाहा। दोनों ही शब्दों में बच्चों पहला शब्द जो है स्वर्ग, स्वर्ग शब्द आपस अपने आप में एक विशेषण है, जबकि इसका विशेष है वास अर्थात स्थान। इसी प्रकार मन यानी इच्छा से, हृदय से, चाहा यानी किसी चीज की इच्छा करना, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका प्रथम पद जो है वो गौण है और द्वितीय पद जो है वो प्रधान है। वहीं कर्मधारय समास बिल्कुल ठीक उल्टा है हमारे तत्पुरुष समास का। इसमें भी पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, लेकिन यहाँ पर पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। जैसे नील कमल, नील कमल अर्थात नीला कमल। यहां पर कमल तो है लेकिन कमल शब्द की सार्थकता जो है वह उसके नीले होने में है। अस्तु हम कह सकते हैं कि यहां पर प्रथम पद जो है वह प्रधान है। बच्चों, इसी प्रकार हम जब द्वंद समास की बात करते हैं तो द्वंद समास में प्रथम पद और दूसरा जो पद होता है दोनों ही पद प्रधान होते हैं और आपस में अक्सर इनकी द्वंदात्मक स्थिति बनी रहती है। जैसे द्वंदात्मक से मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है यानी कि या तो यह विलोमार्थी होंगे या आपस में यह दोनों ही शब्द समान महत्व रखते होंगे। जैसे माता पिता, माता पिता, शत्रु मित्र,
शत्रु मृत्यु। वहीं अगर हम बहुव्रीहि समास की बात करें तो बहुव्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होगा ना ही द्वितीय पद प्रधान होगा, अस्तु इन दोनों के इतर एक तीसरा पद होगा जो मूल अर्थ को कहीं ना कहीं व्याख्यान्वित करेगा, वह शब्द प्रधान होगा, तीसरा शब्द प्रधान होगा, अर्थ प्रधान होगा, ना कि शब्द प्रधान होंगे। जैसे नील कंठ नीला है कंठ जो, ऐसे शिव जी यहाँ ना नील प्रधान है ना कंठ प्रधान है, बल्कि नीले कंठ को धारण करने वाले शिव जी प्रधान हैं। इसी प्रकार से अन्य शब्द हो सकते हैं दशानन, दश है आनन जिसके, ऐसा रावण, लंबोदर लंबे उदर वाला लंबे पेट वाला व्यक्ति, ऐसे गणेश जी, इत्यादि इत्यादि हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो सकते हैं। बच्चों इस प्रकार से हमने आज समास, समास की परिभाषा, समास के अन्य अन्य भेद अर्थात अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के विषय में पढ़ा। आशा है आपको यह व्याख्यान समझ में आया होगा और हम अपने अगले व्याख्यान में आगे के विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।